हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 11 देखने वाले हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखो, ये दिए गए नंबर जो रहेंगे ना, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो पहला नंबर है यहाँ पे 32। अभी देखो, दिए गए नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो दिए गए नंबर जो है उनको हम डिवाइड करेंगे वन बाय वन। तो डिवाइड कौन से नंबर से करने होते हैं, नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइजर जो रहता है उससे हम डिवाइड करते जाएंगे वन बाय वन। तो हमें सभी प्राइम नंबर ही मिलेंगे ना, क्योंकि दिए गए नंबर का सबसे स्मॉल डिवाइजर रहता है वो प्राइम नंबर ही रहता है। इसीलिए हम दिए गए नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करते जाएंगे, डिवाइड होता है, अगर होता है डिवाइड तो उसको हम सबसे स्मॉल डिवाइजर से डिवाइड करते जाएंगे, हमें फैक्टर मिल जाएंगे। अभी 32 नंबर है, देखो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे। अभी 32 को होता है 2 से डिवाइड, वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया। तो देखो, 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिस नंबर की यूनिट प्लेस क्या रहती है, 0, 2, 4, 6, 8 रहती है, वो नंबर होते हैं 2 से डिवाइड। अभी इसकी यूनिट प्लेस 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले भी बोला आपको ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ओके, अभी देखो, यूनिट प्लेस 2 है इसलिए 2 से डिवाइड होगा, मैंने यहाँ पे 2 राइट कर लिया। जिस नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर हमें यहाँ पे राइट करना होता है। ओके, अभी इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो 2 अंदर 2 लेना होगा हमें, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया। ओके, 1 एंड ये 2, 12 हो गए, 2 6 12 कितने आ गए, 16 आ गए। अभी हम 16 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड हो जाता है, यही इसका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइजर है। 16 की यूनिट प्लेस 6 है तो 6 यूनिट प्लेस वाला नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया। 2 8 16 आता है तो यहाँ पे 8 आ गया। अभी 8 ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है इसकी, 8 है। ओके, 2 4 8। अभी 4 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 4, 2 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ये सभी आ गए 3 के फैक्टर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 कितने टाइम है, 5 टाइम्स है। ओके, 1 2 3 4 5 टाइम्स, और इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आ रही है, 32। तो ये सभी आ गए फैक्टर, और ये फैक्टर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए इनको प्राइम फैक्टर बोला जाता है। तो आया समझ में, 32 के ये मिल गए प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 57, अभी 57 ये नंबर इसकी यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 में से नहीं है, बाद में हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो देखो, दिए गए नंबर की नंबर में जो डिजिट है उनकी एडिशन करके देखेंगे। 5 प्लस 7, 5 और 7 57 नंबर है, उसमें जो 5 और 7 डिजिट है उनकी एडिशन की। 5 प्लस 7 होते हैं 12, तो 12 होता है 3 से डिवाइड। तो यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 1 3 3 4 12। तो इसको 3 से डिवाइड हो रहा है ना, इसकी डिजिट की जो सम आ रही है उनको 3 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 57 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 57 इसको करेंगे 3 से डिवाइड। अभी देखो, यहाँ पे 5 है तो 3 1 3 लेना होगा, क्योंकि 3 2 6 आता है ना, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 एंड 7 27, 3 9 27, तो यहाँ पे 19 आ गया। और अभी देखो, 19 ये कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है, यूनिट प्लेस 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 9 एंड 1 इन दोनों डिजिट के एडिशन की 10 आ रही है, 10 ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 4 से चेक करेंगे, 4 के टेबल में भी 19 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी 19 नहीं आता है, 6 7 8 9 10 के टेबल में भी नहीं आता है, 11 के भी नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 के टेबल में आता है। 19 वन्स मीन्स इसको सिर्फ 19 से डिवाइड हो, ये 19 नंबर है वो इसको सिर्फ 19 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, इसको हमें 19 से डिवाइड करना होगा, और 19 वन्स 19, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 19 ये आ गए 57 के फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देयरफोर 57 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 19, ये आ गए 57 के फैक्टर, और ये प्राइम नंबर भी है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर। एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें 23 नंबर दिया है, इसको भी हमें प्राइम फैक्टर में
डिवाइड करना है। तो देखो ये 23 जो नंबर है उसको राइट कर लिया। अभी 23 ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होता है वो चेक करेंगे हम। तो देखो यूनिट प्लेस 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 + 2 5 आ रहे हैं। 5 ये 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो ये 23 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अदर कौन से डबल में ये 23 आता है हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे। 2 से 3 से चेक कर लिया, अभी हम 4 से चेक करेंगे। 4 के डबल में 23 नहीं आता है, 5 के डबल में नहीं आता है, 6, 7, 8, 9, 10 के टेबल में भी नहीं आता है। तो देखो ये 23 किसी न टेबल में आता ही नहीं है, ये डायरेक्टली उसका खुद का टेबल में ही वन नंबर पे आता है। 23 1 23 में आता है तो इसको हम 23 से ही डिवाइड करेंगे। 23 1 23 तो ये क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए इसके फैक्टर नहीं आ रहे। प्राइम नंबर के फैक्टर क्या आते हैं? 1, एंड वो नंबर खुद वही उसके फैक्टर रहते हैं। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 23 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, जिस नंबर के फैक्टर नहीं रहते तो 1 आ गए ना, तो हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे। 1 1 ज़ा 1 ऐसा कर लेते हैं। तो 23 एंड 1 यही क्या है? उसके फैक्टर आ गए हैं। आया समझ में? 4 नंबर एग्जांपल में यहाँ पे 150 ये नंबर दिया हुआ है। अभी देखो इसकी यूनिट प्लेस है 0, तो ये पहले क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 150 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 ले लिया। अभी 2 के टेबल में 1 नहीं है, हम 15 को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 ज़ार 14, 15 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 ज़ार 10। ओके, यूनिट प्लेस है 5, तो 5 यूनिट प्लेस वाले नंबर, तो देखो 5 से डिवाइड, वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? 5 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं? जिनकी यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 ये डिजिट है तो वो नंबर होते हैं 5 से डिवाइड। इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 लिया। ओके, अभी देखो 7 है यहाँ पे, तो 5 1 5 लेना होगा। ओके, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 एंड 5 25, 5 5 ज़ार 25, 15 आ गए। इसकी यूनिट प्लेस 5 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने क्या बोला, 0 एंड 5 यूनिट प्लेस वाले नंबर 5 से डिवाइड होता है, यूनिट प्लेस 5 है इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 ज़ार 15, अभी यूनिट प्लेस 3 है, स्मॉलेस्ट डिवाइजर कौन सा है? 3, तो 3 लेंगे हम, 3 1 ज़ार 3। तो ये सभी आ गए इस 150 के प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और फैक्टर आए हैं इसलिए इसको हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे। देयरफॉर 150 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सभी आ गए 150 के प्राइम फैक्टर। 5 नंबर पे 216 ये नंबर दिया गया है, और 216 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 216 को हम यहाँ पे लिखेंगे, यूनिट प्लेस 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। मैंने क्या बोला है, कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं? जिन नंबर की यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 रहती है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 6 यूनिट प्लेस है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 1 एंड 16 6 16 है, इनको पहले डिवाइड करने से पहले हमें 0 लेना होता है ना, 2 8 ज़ार 16, तो यहाँ पे 108 आ गए। अभी यूनिट प्लेस 8 है, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और अभी देखो 2 5 ज़ार 10, ओके, उसके बाद में 8 है, 2 4 ज़ार 8, 54 आ गए, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, यूनिट प्लेस 4 है इसीलिए। 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 4 14 हो गए, 2 7 ज़ार 14, तो 27 आ गए। 27, देखो ये जो नंबर है 7 + 2 9 हो गए, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड हो जाता है। किससे? 3 से। वह मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? देखो कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं? जिन नंबर के डिजिट की सम 3 से डिवाइड होती है वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं। अभी 2 + 7 इक्वल टू 9 आ रहे हैं, 9 को होता है 3 से डिवाइड, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 राइट कर ले यहाँ पे, 3 9 ज़ार 27,
अभी 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, हो रहा है तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 9, अभी 3 ये नंबर 3 से डिवाइड होता है तो इसको हम 3 लिखेंगे। 3 1 3, तो ये सभी आ गए 216 के प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 216 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स ही है, ये सभी आ गए 216 प्राइम फैक्टर। अभी 208 ये नंबर है, देखो यूनिट प्लेस 8 है इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके 2 1 2, ये 0 है वो एज इट इज आएगा, और 2 4 8। ओके अभी 4 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 5 10, 2 4 2 2 4, ओके 52 आ गए। यूनिट प्लेस 2 है फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके 2 2 4, 5 में से 4 सब 1 रह गए, 1 and 2 12 हो गए, 2 6 12, 26 आ गए। अभी 6 यूनिट प्लेस वाले नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ओके 2 1 2, 2 3 6, 13 13, देखो 2 के टेबल में नहीं आता है क्योंकि यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस 3 है, और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 + 3 इनकी एडिशन की हमने डिजिट की, 4 आ रही है, 4 ये डिजिट 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में देखो ये 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 7 8 9 10 के टेबल में भी नहीं आता, उसके बाद 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के नहीं आता, ये डायरेक्ट उसके खुद के टेबल में आता है, इसीलिए इस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे हम 13 से। ओके 13 1 13, तो ये सभी आ गए 208 के प्राइम फैक्टर, तो उनको हम लिखेंगे देयरफॉर 208 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 टाइम्स से, और 13 है उसके बाद में, 4 टाइम्स ऐड कर लिया, 13 ऐड कर लिया, ये सभी आ गए 208 के प्राइम फैक्टर। 765 नंबर दिया है, 765 नंबर लेंगे हम, इसको 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि यूनिट प्लेस 5 है, 5 + 6 + 7 एडिशन 18 आ रही है, 18 ये होता है 3 से डिवाइड, 3 1 3, 3 6 18, तो ये नंबर जो है 765 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। ओके 3 2 6, ओके 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 1 and 6 16 हो गए, 3 6 5 15, 16 में से 15 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 15 हो गए, 3 5 15, 255 आ गए। अभी देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक करेंगे, 5 + 5 10 होते, 10 + 2 12 होते, 12 ये होता है कि 3 से डिवाइड, 3 1 3, 3 4 12, तो इसको फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24। ओके तो 25 में से 24 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 15 हो गए, 3 5 15, तो 85 आ गया। अभी 8 + 5 13, 13 ये 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो इसको हम 4 से चेक करेंगे, 4 से भी नहीं होता तो ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि यूनिट प्लेस भी भाई है, देखो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे हम 5 लेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 and 5 35 हो गए, 1 1 35, तो 17 आ गए। अभी देखो 17 की यूनिट प्लेस 7 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं, 7 + 1 8 हो गए, 8 ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, 5 से चेक कर लो, यूनिट प्लेस 5 और 0 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद में 6 के टेबल में आता है कि 17, नहीं, 8 के टेबल में नहीं आता तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 के टेबल में आता है क्या, 9 से भी नहीं डिवाइड होगा, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 12 13 14 15 16 and 17 के टेबल में ये आता है डायरेक्टली, तो इसीलिए हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे। ओके 17 1 17, तो ये सभी आ गए 567 के प्राइम फैक्टर। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 765 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 17, ये सभी आ गए 765 के प्राइम फैक्टर।
342 ये नंबर दिया हुआ है। देखो इसके यूनिट प्लेस 2 है, तो ये पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। 2 1 2, यहाँ पे 3 में से 2 सब्सटेंट हो गए, 1 रह गया, 1 and 4 14 हो गए, 2 7 14, और यहाँ पे 2 है, 2 1 2, ओके 171 आ गए। अभी यूनिट प्लेस 1 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होता है या नहीं चेक करेंगे। तो 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके 3 5 15, 3 6 18 आता है ना, तो 3 5 15 ही लेंगे हम यहाँ पे। 17 में से 15 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 n 1 21, 3 7 21, ओके 57 आ गए यहाँ पे। अभी 57 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस 7 है, तो ये 3 से डिवाइड होता है नहीं चेक करने के लिए। 5 + 7 12 हो गए, 12 ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 57 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो 3 1 3, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 n 7 27, 3 9 27, तो 19 आ गए। अभी 19 ये नंबर देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, यूनिट प्लेस 9 है, इसीलिए 3 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 9 + 1 डिजिट के एडिशन टेबल में नहीं आती है, इसलिए ये 19 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 4 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 4 के टेबल में नहीं आता, 5 से भी नहीं होता, 6 7 8 9 10 से भी नहीं होता क्योंकि उनके टेबल में नहीं आते हैं ये आता है ये नंबर। उसके बाद में 11 12 13 14 15 16 17 के टेबल में भी नहीं आता, 18 19 के खुद के टेबल में वो आता है, इसलिए हम इसको 19 से ही डिवाइड करेंगे। 19 1 19, ओके तो ये सभी आ गए 342 के प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देयरफॉर 342 2 × 3 × 3 × 19, ये आ गए 342 के प्राइम फैक्टर। अभी 377 ये नंबर दिया गया है, अभी यूनिट प्लेस 7 है इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 3 से डिवाइड होता है नहीं चेक करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 + 7 + 7 = 7 + 7 = 14 होते, 14 + 3 = 17, तो 17 ये नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। ओके ये नंबर 4 से नहीं, 5 से नहीं डिवाइड होता, 6 से भी डिवाइड नहीं होता, ये नंबर डायरेक्टली 13 से डिवाइड होता है। और वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको चेक कर लिया कि ये नंबर डायरेक्टली 13 से डिवाइड होता है। वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर की यूनिट प्लेस जो है उसको हमें करना होता है 4 से मल्टीप्लाई। यूनिट प्लेस 7 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 4 28, ओके तो 28 को ये 37 जो नंबर बचा है उसमें ऐड करेंगे। 37 को इसमें ऐड करने के बाद क्या मिला है, 7 + 8 15 हो गए, 5 यहाँ पे कैरी 1, यहाँ पे 3 + 1 4 + 2 6 हो गए। 65 ये 13 से डिवाइड होता है क्या नहीं चेक करो, 65 13 से डिवाइड होता है क्या नहीं, 13 1 13 13 5 65, तो ये 65 13 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये पूरा जो नंबर है वो भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 13 ले लेते हैं, ओके सो यहाँ पे 37 है, 13 के टेबल में 37 नहीं है, 13 2 26 आता है, ओके 11 रह गए, ओके 117 हो गए, तो 13 9 117 आते हैं, ओके अभी देखो यूनिट प्लेस 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक कर लो, 9 + 2 11 हो गए, 11 भी 13 से डिवाइड नहीं होता, 29 ये नंबर भी प्राइम नंबर है, ये किसी अदर टेबल में नहीं आता, तो ये 29 जो है उसका खुद का टेबल, मीन्स 29 को 29 से डिवाइड करना होगा, 29 1 29, तो यहाँ पे फैक्टर कितने आ गए, 2 ही फैक्टर आ गए, 13 × 29, 377 = 13 × 29, तो ये आ गए 377 के प्राइम फैक्टर, 559। तो देखो ये नंबर यूनिट प्लेस 9 है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट होता है 13 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि यूनिट प्लेस 5 और 0 नहीं है, 6 से भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि जो नंबर 2 से होता है वो 6 से भी हो जाता है, 2 से ही नहीं हो रहा है तो 6 से कैसे होगा डिवाइड,
उसके बाद में सेवन से डिवाइड नहीं होता कैसे, तो वह मैंने डिविजिटरी टेस्ट चेक किया जाता है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको ध्यान से वो देखनी है और ये नंबर सेवन से डिवाइड नहीं होता ये चेक कर लेना है। ओके, उसके बाद में एट से नहीं, नाइन से नहीं, ये डायरेक्ट थर्टीन से डिवाइड होता है, क्योंकि थर्टीन के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, दिए गए नंबर की यूनिट प्लेस जो है उसको फोर से डिवाइड करना होता है। नाइन को फोर से डिवाइड करने के बाद नाइन फोर जार 36 आता है, तो 36 को इसमें ऐड करने के बाद, इसके मल्टीपल फोर रहने के बाद जो नंबर आया है उसको अदर डिजिट में 55 में ऐड कर लेना होता है। ऐड करने के बाद 6 प्लस 5 आते हैं 11, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 91 आ रहा है, तो 91 ये होता है 3 से डिवाइड, इसीलिए ये 559 भी नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम 559 को डायरेक्ट 13 से डिवाइड करेंगे। ओके, आपको भी अगर कोई अदर नंबर दिया रहता है उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक करके आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये नंबर कौन सी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ओके, अभी देखो इसको 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो अभी देखो 55 है यहाँ पे, सो 13 फोर जार लेना होगा हमें, तो यहाँ पे फोर जार लेंगे, 55 में से 52 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 3 रह गए, 3 या 9 39, 13 3 जार 39 आता है। ओके, तो यहाँ पे 3 जा आ जाएगा, अभी 43 ये नंबर यूनिट प्लेस 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 प्लस 4 7 होते हैं, ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 43 ये नंबर प्राइम नंबर है, ये अदर किसी नंबर के टेबल में आता भी नहीं है, ये खुद के टेबल में ही आता है, तो इसको हमें 43 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे हम 43 लेंगे, 43 वन जार 43, तो 559 के फैक्टर आ गए 13 मल्टीप्लाई 43, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर 559 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 43, तो ये आ गए इस 559 के प्राइम फैक्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।